ओ भाई जी, मरा किराया कौन देगा? क्या मतलब कौन देगा? हाँ, अगर मैं हारते हुए आई, मारा मतलब है अगर मैं थारे तीन पहिए पे सवार होके आई हूँ तो किराया भी मैं ही भरूंगी ना। मारा पड़ोसी थोड़ी ना भरेगा। ये लो 100 रुपए, छुट्टे आप रख लेना। छुट्टे? कैसे छुट्टे? उल्टा किराए में 20 रुपए कम है। 20 रुपए और दो। 120 रुपए? आपको पता है हम मोगरे से यहाँ तक कैसे आए? मारे को कैसे मालूम हुआ कैसे पहुँचे? अरे मैं बताती हूँ भाई जी, पहले हम घर से निकले, फिर टेम्पो में बैठ के बस अड्डे आए, फिर बस अड्डे से बस लेके उदयपुर पहुँचे, और इतना सबका पता है कितना हुआ? सिर्फ 100 रुपए। आप 4 कदम चलने का 120 रुपए मांग रहे हो? अरे कमाल ही करते हो भाई जी। कमाल तो आप करते हैं भाई जी। 100 रुपए हुआ इंसान का भाड़ा, और कुत्ते ना क्या है? कुत्ता? कुत्ते को जो बिठा के ले उसका क्या? गुलकी। हाँ गुलकी। देखो भाई जी, एक तो मैं अपने गाड़ी में जानवर को बिठाता नहीं, और गुलकी और जानवर। एक भी पैसा मत देना इसे भाई। 20 रुपए क्या चवन्नी भी ना मिलेगी थारे को? ये 100 रुपए रखने तो रखो, नहीं तो फूटो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे फूटो? और जानवर को जानवर नहीं बोले तो और क्या बोले? जानवर 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 कहीं का भाई साहब, फिर से बोला फिर माई माता रानी। बाहर इतना शोर किस बात का है? हुकुम, मैं देखती हूँ। अरे भट्टी में जावे तेरा जानवर, मुझे मेरा किराया दो और जय राम जी की करो। चुपचाप 100 रुपए रखने तो रखो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे, 100 होते 100 दे दिए मैंने, रखने तो रखो नहीं तो। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? देखो ना भाई साहब, 2 जगह 3 पैसे बैठा के लाया, एक्स्ट्रा किराया तो मांगूंगा ना। अच्छा ठीक है, पहले हमारी गुलकी से माफी मांगी आप। अब ये गुलकी कौन है? खम्मा गुलकी सा, घरी खम्मा। यो माफी नामा सुनकर तो थारी गुलकी के बाग ही खुल गए आज भाई साहब। अब ठीक मालिक, अब मेरे पैसे दो। ये लो। और 20 रुपए? 100 थे 100 ही मिलेंगे। मेरे 120 रुपए दे, नहीं तो। नहीं तो? नहीं तो के? वसु को धमका रहे हो? अरे वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे है। देखो देखो, शोर मचाना है तो कहीं और जाकर मचाओ। देखो ना भाई साहब, ये मेरा किराया खा रही है। अरे हम तो छुट्टे भी छोड़ रहे थे, ये तो आप ही बेईमान निकले। 100 की बात हुई थी 100 ही मिलेंगे। अरे कब हुई थी बात, किसने की थी? हमने आपस में की थी। हाँ 100 लेने तो लो, नहीं तो। नहीं तो क्या? एक मिनट, तुम हो कौन? हम गांव मोगरा, तहसील झलावाड़, जिला कोटा की वसुधा सोलंकी। लाड में हमारे को सब वसु बुलाते हैं। वसु? हनुमान भाई सा की छोरी? लाडो में सावित्री, मैं भी। अरे सावित्री बुआ, बाबू साहब की बहुत बातें बताते हैं, और जो घेवर आपने भेजा था ना वो। वसु मेरी बोल, हुकुम को इतनी ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है, वो यहीं बगीचे में बैठी है। क्या भाई देवी हुकुम बगीचे में? बुआ हम अभी दर्शन करके आते हैं। अरे मारे पीछे। अरे रघुड़ा, इनका हिसाब किताब करके रफा दफा कर दे, मैं आई।